बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है FI फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिशियल पेज है। दो तीन माह पहले FI की जानिब से जॉब्स की नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अभी जो 31 तारीख से FI जो ऑफिशियल पेज है उनकी अपनी वेब पे ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुकी है। और वो अप्लाई किस पोस्ट के लिए, कौन से पोस्ट के लिए है, वो कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशंस, कांस्टेबल, ड्राइवर और डिस्पैचर राइडर और LDC, UDC, स्टेनोटाइपिस्ट, नायब कासिद और कुक। तो इसके लिए जो अप्लाई फेडरल ये FI वेबसाइट पे ऑनलाइन है। और इसके लिए जो अप्लाई तरीकाकार है बहुत आसान तरीका है। और इसके लिए बैंक में कोई भी फीस आपको जमा नहीं करना होगा, फ्री ऑफ कास्ट है। और इसका अप्लाई करने का जो तरीका है, और मैं इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अप्लाई करने का जो प्रोग्रेस है वो समझाऊंगा, और अप्लाई आप किस तरह कर सकते हैं, और इसके लिए जो आपको क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड ईमेल और पिक्चर, और पिक्चर 30 KB से कम हो, और ईमेल जो है आपको अपने मोबाइल में ऑन हो, क्योंकि वो आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आपको वो कोड सेंड करेंगे ईमेल पे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको बलातहीर पहुँचते रहे, बर वक्त अप्लाई करते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। आपको FI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको मैं ये रजिस्टर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये नज़र आ रहा है रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र, तो इस पे आप अगर आपने तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर आपका जो नए एक नेम है वो देना है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम वो देना है, जिस तरह खान होगा लोगों अपने साथ लिखते हैं शहजाद खान, अहमद खान, तो आपको अपना लास्ट नेम जो है वो लास्ट नेम में देना होगा। वालिद साहब का जो नाम है वो पूरा देना होगा आपको। फिर सिनेसी नंबर देना है। री एंटर सिनेसी नंबर दोबारा आपने टाइप करना है, इसको नहीं कॉपी करना है, वो कॉपी नहीं हो रहा है। अपना वो ईमेल देना है जो आपका एक्टिव होगा। फिर आई एम रोबोट, फिर अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर इधर देना है जिस पे आपको मैसेज आ जाएगा आएगा। एक्सेप्ट एंड टर्म एंड कंडीशन एंड पॉलिसी पे आप उसको चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आई एम नॉट रोबोट पे भी क्लिक करेंगे। ये सेंड कोड पे, सेंड कोड टू ईमेल पे क्लिक करेंगे और आपने ईमेल पे आ जाएंगे। ये देख रहे हैं रिक्रूटमेंट कोड, ये कोड आ गया, ये कोड आपने यहाँ पे टाइप करना है और वेरीफाइड ईमेल पे क्लिक करना है, तो आपका कोड जो है वेरीफाइड हो जाएगा। नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। यस, ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड, पर सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो ईमेल दिया हुआ है वो देना है, और आपने मर्जी का पासवर्ड करना है टाइप करना है। पासवर्ड किस तरह देना है, जिस तरह आपका नाम है, और उस नाम का जो पहले वर्ड है वो कैपिटल में लिखना है, फिर पूरा नाम लिखना है, फिर अंडरस्कोर, फिर एक डिजिट नंबर देना है। तो इस तरह रीटाइप कर करने के बाद भी आपने एक नेम जो आपका लेटर होगा वो कैपिटल में देना है, और डिजिट एक नंबर देना है, और डिजिट नंबर से एक अंडरस्कोर आपको पहले देना होगा, और फिर रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो फिर लॉगिन पे आ जाएंगे, लॉगिन आने के बाद आपके जिसका ईमेल है और जो पासवर्ड दिया है वो आएंगे, फिर आप वो आएंगे तो आप फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस पोस्ट की जो टर्म एंड कंडीशन है वो ओपन हो जाएंगे। फिर इशू डेट आपका सिनेसी आपके आपसे मांगेंगे जो सिनेसी किस डेट को इशू हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगेंगे, और डोमिसाइल रिलीजन्स, और डोमिसाइल रीजन्स,
जो मिसाल लिस्ट है वो देना है आपने। फिर आपने टेस्ट सेंटर जो है वो तीनों ही सेलेक्ट करने हैं, एक को नहीं छोड़ना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, तीनों टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने हैं। और टेस्ट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपने यस करना है, और सेलेक्ट इंटरव्यू लोकेशन भी आपको तीनों सेलेक्ट करने हैं। फिर आपने मैट्रिक का रिजल्ट क्रिएशन वो कंफर्म डेट देना है। फिर सेव इन प्रोग्रेस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने पिक्चर वाली ऑप्शन आ जाएगा। आपने पिक्चर जो है 30 KB से कम साइज वाली पिक्चर आपको अपलोड करना होगा। ये देख पिक्चर वाले ऑप्शन आया है। फिर आपने सेकेंडरी मोबाइल नंबर देना है, दूसरा सेकेंडरी मेल भी देना है, और डिसेबिलिटी भी आपने नो या यस पे कल करना है, और रिलीजन्स रीजन्स भी देना है, मिसाल डिस्ट्रिक्ट, और अपना एड्रेस देना है, और सेव इन प्रोग्रेस पे करना है। फिर अपना क्वालिफिकेशन देना है, और फील्ड एप्लीकेशन कौन सी फील्ड में आपने एजुकेशन किया है, और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी देना है, और रिजल्ट डिक्लेरेशन देना है, और कितने मार्क्स आपने लिए और कितने मार्क्स में आपने मार्क्स लिए, और डिवीज़न और ग्रेड सेलेक्ट करना है, और मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और फिर सेव एजुकेशन पे क्लिक करना है, और नीचे अपने टर्म्स एंड कंडीशन उसको चेक करना है, और फिर सबमिट पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन सबमिटेड, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो जाएगा। तो यही मालूमात, तो इंशाल्लाह दोबारा इस तरह जॉब की वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा। तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।